हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एगलेस पाइनएप्पल केक। और ये जो केक है ये एनिवर्सरी थीम केक है, तो आप इस केक को एनिवर्सरी वगैरह पे बना सकते हैं। और ये सेमी फोंडेंट केक है, तो इसमें मैंने फोंडेंट का यूज़ किया है इस वाले केक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केक बनाना। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक एगलेस स्पॉन्ज केक लिया है। इसका रेसिपी मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे शेयर किया है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं या फिर उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम केक को डीमोल्ड कर लेते हैं। तो डीमोल्ड करने से पहले आप साइड से इसको नाइफ वगैरह से थोड़ा सा स्क्रैप कर लें, थोड़ा सा इसको निकाल लें साइड से, ताकि टिन में जो है वो चिपके ना। अभी ऊपर के जो ब्राउन पार्ट्स है उसको निकाल देंगे। ये ब्राउन पार्ट्स निकालने से थोड़े से जो केक ना स्पॉन्जी टाइप में दिखते हैं, बीच में से हार्ड टाइप में नहीं लगेंगे अगर आप ये ब्राउन पार्ट निकाल देते हैं ऊपर से। तो यहाँ पे मैंने ऊपर से कट कर लिया। अभी केक को मैं 3 लेयर्स में कट कर रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे 2 लेयर्स में भी कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं केक को 3 लेयर्स में ही कट करती हूँ। तो केक 3 लेयर्स में कट करने से केक की थोड़ी सी हाइट ज़्यादा आ जाती है। तब इसी तरह से एक और लेयर को कट कर लेंगे यहाँ पर। और आप व्हाइट स्पॉन्ज के साथ कोई भी फ्लेवर बना सकते हैं, चॉकलेट छोड़ के। अगर चॉकलेट चाहिए तो चॉकलेट भी बना सकते हैं पूरा, बट वो चॉकलेट फ्लेवर नहीं आ पाता है। तो आप इसे पाइनएप्पल, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी जो फ्लेवर चाहे वो फ्लेवर बना सकते हैं स्पॉन्ज केक से। तो अभी मैंने केक को 3 लेयर्स में कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने व्हिप्ड क्रीम लिया है। तो अभी आप जिस प्लेट या फिर जिस केक बोर्ड वगैरह पर इसको रखेंगे उस पर थोड़ा सा व्हिप्ड क्रीम लगा लें, ताकि आइसिंग करते टाइम पर ये हिले ना। तो यहाँ पे मैंने व्हिप्ड क्रीम लगा लिया है। अभी केक का लास्ट लेयर इसके ऊपर रख देंगे और इसको नॉर्मल पानी से सोक कर लेंगे। आप चाहे तो शुगर सिरप का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन शुगर सिरप यूज़ करने के बाद केक बहुत ही मीठा हो जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे शुगर सिरप का यूज़ नहीं कर रही हूँ। नॉर्मल पानी का यूज़ करें, ठंडे पानी का ही यूज़ करें रूम टेम्परेचर का। अभी इसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम लगा देंगे। व्हिप्ड क्रीम लगाने के बाद आपको जो फ्लेवर पसंद है वो फ्लेवर यहाँ पर ऐड कर दीजिए। यहाँ पर मैंने ये पाइनएप्पल फ्लेवर लिया है। तो अभी केक का सेकेंड लेयर इसके ऊपर रख देंगे और साइड से जो क्रीम है उसको लगाते जाइए, कवर करते जाइए बीच में अगर गैप है तो। नहीं तो फिर जब इस पर आइसिंग करेंगे सेकेंड लेयर रख के इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे, तो फिर जो बेस है ना केक का सेकेंड लेयर वाला वो नीचे बैठ जाएगा, इसलिए आप ऐसे साइड में क्रीम लगाते रहिए। वापस इसको सोक कर लेंगे पानी से, व्हिप्ड क्रीम लगा देंगे और जो फ्लेवर का आपको यहाँ पर बनाना है वो फ्लेवर यहाँ पर ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने पाइनएप्पल क्रश लिया है वो डाल देंगे। इसको चारों तरफ अच्छे से फैला दें। और पाइनएप्पल क्रश के साथ आप यहाँ पे व्हाइट चोको चिप्स का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा और चॉकलेटी बनाना है तो। और अभी केक का लास्ट लेयर इसके ऊपर रख देंगे और साइड से जो क्रीम है उसको कवर कर देंगे। ऐसे करने से क्रीम जो केक का लेवल है वो बना रहेगा और बीच में ऐसे साइड से ऊपर नीचे नहीं होगा, इसलिए आप साइड से इसको कवर करते रहिए क्रीम से। और इसको भी सोक कर लेंगे। अभी इसके ऊपर हमें कोई क्रश वगैरह नहीं लगाना है, बस 2 लेयर में ही क्रश या फिर कोई भी फ्लेवर देना होता है अगर आप 3 लेयर के केक कट कर रहे हैं तो। अभी मैं यहाँ पे डायरेक्ट केक को क्रीम से कवर कर रही हूँ। अगर आपका यहाँ पे क्रीम थोड़ा मेल्ट हो रहा है तो आप क्रम कोटिंग करके इसको फ्रीज में 15 से 20 मिनट तक रख दीजिए, उसके बाद फाइनल कोटिंग कीजिए। लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट फाइनल कोटिंग ही कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्रीम बहुत ही अच्छे से सेट है, अभी मेल्ट नहीं हो रहा है, इसलिए अभी इसको डायरेक्ट क्रम कोटिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर मैं फाइनल कोटिंग ही कर रही हूँ। तो अभी केक को अच्छे से क्रीम से कवर कर ले। और जब हम केक बनाते हैं इसको सोक करते हैं शुगर सिरप या फिर नॉर्मल पानी से, और सोक करने के बाद इसको आप डायरेक्ट फिर फ्रीज में मत रखिए, तो फिर जो केक है वो आपका बहुत ही हार्ड हो जाएगा फ्रीज में जाने के बाद पानी की वजह से, इसलिए आप इसको क्रम कोटिंग करके हल्का सा क्रीम लगाकर तभी इसको फ्रीज में रखिए। डायरेक्ट आप शुगर सिरप से सोक करने के बाद या फिर नॉर्मल पानी से सोक करने के बाद इसको फ्रीज में कभी भी मत रखिए, नहीं तो आपका केक हमेशा ही फिर हार्ड ही बनेगा। कितना भी इसको बाहर रख लेंगे फिर ये सॉफ्ट नहीं होगा केक, स्पॉन्जी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे मैंने केक को क्रीम से कवर कर लिया है। अभी इसके साइड में डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने स्क्रैपर लिया है, आप चाहे तो यहाँ पे प्लेन भी रख सकते हैं या फिर किसी भी नाइफ वगैरह से इसके ऊपर डिज़ाइन बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्क्रैपर से डिज़ाइन बना लिया है। अभी इस केक को मैं 2 घंटे के लिए फ्रीज में रख रही हूँ ऐसी सेट होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 2 घंटे तक इसको फ्रीज में रखा है सेट होने के लिए। सेट होने के बाद यहाँ पे मैंने इसको साइड से क्लीन कर लिया है। अगर आप फोंडेंट केक बना रहे हैं, सेमी फोंडेंट केक बना रहे हैं, तो आप इसको कम से कम 2 घंटे के लिए फ्रीज में रखिए अच्छे से ठंडा होने के लिए, एकदम सेट होने के लिए। और साइड में मैंने यहाँ पर एक स्टार नोजल से डिज़ाइन बना लिया। आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, डॉटेड डॉटेड भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने कुछ फोंडेंट के टॉपर्स बना के रखे हैं, वो इसके ऊपर लगा देंगे। ये मैंने कैलेंडर थीम का केक बनाया है, तो इसलिए यहाँ पे ये मैंने कैलेंडर थीम रखा है।
तो सेमी फॉन्डेंट केक बनाते टाइम पे आप हमेशा एक बात का ध्यान रखें, केक को हमेशा एकदम अच्छे से ठंडा कर लीजिए। कम से कम आप इसको 1 से 1.5 घंटे तक तो फ्रीज में रखें आइसिंग करने के बाद, उसके बाद ही इसके ऊपर फॉन्डेंट वगैरह से डिज़ाइन बनाइए। तो यहाँ पर मैंने कुछ कट करके रखे थे, कुछ बना के रखे थे फॉन्डेंट के, वो इसके ऊपर लगा देंगे। अगर आपके पास फॉन्डेंट नहीं है तो आप बिना फॉन्डेंट के डिज़ाइन कैसे बना सकते हैं, उसका भी रेसिपी मैंने अपलोड किया है मेरे चैनल पे, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। उससे आप अलग अलग तरीके के डिज़ाइन बना सकते हैं, मैंने उससे बहुत ही बेसिक सा डिज़ाइन बनाया था, आप उसे इस तरह के डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आपको मेरा ये सिंपल सा डेकोरेशन कैसा लगा, एनिवर्सरी थीम केक कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको एक केक की डिज़ाइन पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप ये डिज़ाइन ट्राई करें तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं।